जोर भाई सर, बताइए कैसे हैं आप। हाँ बढ़िया हूँ सर जी। आप कहाँ से सर? मैं गुड़गांव से हूँ। ओके ओके। एक्चुअली मैं अभी इनके ग्रुप में था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में था, तो जस्ट वही रिगार्डिंग मैंने फोन किया था उनको कि एटॉमी के बारे में कब लॉन्च होने वाली है और उसका प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तो ये इसके लिए मैंने फोन किया था उनको। तो सर ये अभी कब तक लॉन्च होने वाला है इंडिया में? ऑफिस इसका रेडी है गुड़गांव में ही, ओके okay। और जुलाई में ऑफिस ओपन हो जाएगा। और अच्छा जुलाई में ऑल इंडिया के सेमिनार शुरू हो जाएंगे, ओके ओके। वो भी कंपनी के लेवल से। तो ओके बस वहीं से सारा जो है इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई में 100% पता पड़ जाएगा कि किस डेट को पे आउट आ रहा है। ओके ओके। अभी आप सर फाउंडिंग लेवल पे है, फाउंडर लेवल पे है क्या सर? बहुत लोग आए फाउंडर लेवल पे, आए चले गए, आए और चले गए, क्योंकि 2016 से रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओके ना। तो हम लोग जो है दाएं बाएं नहीं हुए। बहुत लोग आए जो हमसे भी काफी पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, वो दाएं बाएं कंपनियां करते रह गए और हम अपना टीम बनाते चले गए। तो आज हमारा टीम 1 लाख+ है, तो ओके 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 ऑटोमेटिकली फाउंडर हो गए। ओके। नहीं और मैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक्चुअली मैं भी सर जूनियस में था, जूनियस ग्लोबल का। मैं भी इंडिया से फाउंडर मेंबर ही था, मेरा जर्मनी से आईडी था। हाँ हाँ और वो भी मैं प्री लॉन्चिंग स्टेज पे ज्वाइन हुआ था और अच्छा नेटवर्क भी खड़ा हो गया था। बट हाँ क्या हो गया था कि कुछ रीजन वर्स मुझे मेरा आईडी ना होल्ड पे चला गया और वो काम मेरा रुक गया है वहां पे। जिनिस के क्या? मेरे साथ बहुत लीडर है। साउथ से रघुपति है, बहुत अच्छे लीडर है, हाँ जिनिस के है वो। और बाकी इंडियन कंपनी के ऊपर तो मुझे कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि ये लोग कंपनियां तो आए दिन भागती रहती है आया भागती कल रहती है, चला जाता है, तो इमेज खराब करता है वो। ना मुझे उनके एमडी पे भरोसा। मैंने बहुत सारे एमडी के इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे एमडी से डायरेक्टली मिला, बट उनके कोई विजन नहीं और कोई उनके बातों से ही पता लग जाता था कि ये 2-4-5-6 महीने में नहीं, निकलने। एटॉमी का विजन क्लियर है। एटॉमी वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। और मैंने आरएमसीएल से आरएमसीएल के एमडी को 3 बार मिला और कम से कम 150-200 लोगों में से मैंने अकेले आरएमसीएल के एमडी को क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन उसने एक भी सवाल क्वेश्चन का जवाब मेरे दिया नहीं उन्होंने। हाँ तो इनका विजन नहीं है ना, क्लियर तो है नहीं कुछ भी। तो फिर मैंने लगा कि नहीं, ये इनके साथ में काम करने में कोई मतलब नहीं है, ना उनके प्रोडक्ट के कोई वे थी, ये खाली अपना कर्जा उतारने के लिए कंपनी में आए हैं। तो बहुत सारे बिल्कुल। फ्यूचर मेकर का भी मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर मेकर का क्या हालत होने वाला है। किसी का तो भी, इंडिया में कोई भी कंपनी लॉन्च होगा, डेली 1000 कंपनी लॉन्च होता है डेली। बराबर है। तो ये था, तो अभी एटॉमी का मुझे थोड़ा इसलिए लगा क्योंकि एक तो पेटेंटेड प्रोडक्ट है प्रोफाइल और बहुत बड़ा है, विजन साउथ क्लियर कोरिया की है। बिल्कुल कोरियन पॉलिसी अच्छी होती है, क्योंकि बिल्कुल। एलजी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, तो हाँ, एलजी उनका जो, है, सैमसंग है, हुंडई हाँ है। उनका हाँ स्टैंडर्डनेस और उनका जो ये होता है पॉलिसी होता है ना, वो बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे वो ये लगा। तो अभी सर मुझे एक बात बोली कि अगर मान के चलो कि अभी हम काम स्टार्ट करते हैं और एक 6-8 महीने के अंदर अच्छा सा नेटवर्क खड़ा करते, तो इसका जो इनकम है हमें लाइफ टाइम मिल सकता है क्या? लाइफ टाइम वाला इनकम है क्या कि कैसा मंथली हमें मिलता रहेगा कि कैपिंग वैपिंग के बाद खत्म हो जाएगा इस टाइम के बाद? नहीं, जो है एक ऐसी इनकम है जो आपको मिलना ही मिलना है, तो वो तो आपन कभी बैठे आमने सामने तो अच्छा रहेगा। ऐसे की राजेश जी को सब पता है, वो आपको बता भी देंगे। जो मास्टरशिप बोनस है तो वो every 15 days में जो है वो मिलता है, महीने में दो अच्छा बार मिलेगा वो, एक से अच्छा 15 और 16 से एंड ऑफ द मंथ। तो वो ओके जो है मिलता ही मिलता है वो, अच्छा क्योंकि उसमें क्या करना होता है, आपने सेक्स मास्टर अचीव कर लिया जो कंपनी का पहला रैंक है, तो उसके बाद $2,000 से $4,000 जो है वो आपको मिलता है पर मंथ। अब वो ओके कैसे मिलता है कि आपके लेफ्ट और राइट की टीम किसी हाँ भी 15 days में हाँ 32 लाख PV का मैचिंग करा दे, यानी 3.25 लाख रुपए की मैचिंग करा दे, क्योंकि बड़ा इजी है बैंकिंग ओके कॉन्सेप्ट में। 3 लाख रुपए कोई माना नहीं रखता है 15 दिन में। ओके तो ये समझो कि फिक्स हो गया, ओके 2 से $4,000 ये फिक्स हो गया, क्योंकि 15 दिन में
तो आप 3 लाख का मैचिंग आराम से हो जाता टीम से। ओके ओके। तो और अपने को सर अगर मान के चलो कि लास्ट में हमें कितना मान एक अच्छा सा नेटवर्क कभी खड़ा हो जाता है, अभी तो लॉन्चिंग ही होने का है और हम अभी शुरुआत में काम करते, तो एक आने वाले 2 साल के बाद में हमें कितना अच्छा सा इनकम चालू हो सकता है रनिंग? सर सर अभी अभी जो है आप राइट टाइम पे आ रहे हैं, अब टाइम नहीं है ज्यादा लॉन्चिंग में, जो वो ऑफिस बन के रेडी है, हम सी का सर्टिफिकेशन हो गया है, आप 80 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जीएम यहाँ का नियुक्त हो चुका है, सुपरवाइजर यहाँ का जो है नियुक्त हो चुका है, और अब तो कुछ बचा नहीं है, सब हो चुका है, आप सितंबर अक्टूबर से पहले पहले कभी भी पे आउट शुरू हो सकता है। अच्छा हाँ, अब सब बात रही कि 2 साल सर नेटवर्किंग में जो है, अगर 2 साल लगते हैं आपको करोड़पति आदमी बनने में तो फिर वो नेटवर्किंग नहीं है सर। एटॉमी के अंदर विद इन 4 मंथ आप करोड़पति होंगे, विद इन 4 मंथ और 2 मंथ में भी हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि 2 साल बाद, अभी तो जो मिलेगा वो तो मिलेगा, कैपिंग का मिलेगा, ये मिलेगा वो, उसका मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद जैसा आज आपका 1 लाख का नेटवर्क है, तो हो सकता है कि मेरा भी नेटवर्क 1 लाख का हो सकता है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि 2 साल के बाद हमारा एक एवरेज इनकम, एक साल का एवरेज इनकम 20 करोड़ होता है, 1 साल का एवरेज इनकम 20 करोड़। हाँ, Okay. और अगर आपकी कैपिंग हिट होती है, जैसे हमारी जो कैपिंग फर्स्ट डे से हिट है, 1 लाख की कैपिंग पहले ही दिन से हिट है, तो अच्छा। पहले ही मंथ का हमारा पे आउट आने की संभावना है 40 से 50 लाख। ओके। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 साल में कितना जाएगा। बराबर है, वो तो है। 20 करोड़ की तो हमने एवरेज निकाली है कि उस एवरेज से हम चलते हैं उतना टीम, तो हमारा जो है 20 करोड़ रुपए 1 साल में कमा सकते हैं। सर इसमें फिर ऐसा है क्या कि जो हम क्या बोल सकते हैं उसको, जैसा बाइनरी प्लान है, तो ये पावर लेक का वगैरह ऐसा कुछ है क्या इसमें? पावर लेक का भी कोई इसमें समस्या नहीं है, उसका कारण ये है कि एक आईडी से 2 ही डायरेक्ट लगता है, एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, तो ओके, उससे ज्यादा उसके बाद ना कोई डायरेक्ट ना कोई स्पिल है। हाँ। तो हर आदमी को बोले कि अपने 2 लेके आए, बस 3 लाने की जरूरत नहीं है, पावर नहीं रुकता ही नहीं है। अच्छा, तो 2 के ऊपर ही काम है, हम ज्यादा डायरेक्ट बनाने का जरूरत भी नहीं है। बनेगा ही नहीं, बनाए तो तब ना जब अलाउ करेगा। चलो कि सर मेरे पास में 10 लोग अच्छे हैं और तो आप तो एक के नीचे एक जाएगा फिर। हाँ, वो एक के नीचे एक चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ये होते जाएगा, उनको उसको हाँ, दूसरे लोग आपकी आईडी से 2 लगने के बाद अब आपकी आईडी से तीसरा कोई लगेगा ही नहीं, तो फिर आपको नीचे वाले को देना पड़ेगा, फिर नीचे वाले को देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पावर रुकता ही नहीं है कहीं भी। ओके। इसमें वो पावर वाला लफड़ा नहीं है, ऑटोमेटिक पावर बनता ही बनता है। केवल आपने इतना कर दिया कि मैं मेरे 2 और मेरे आने वाले के भी 2, बस 2 ले आओ, तीसरे अच्छा। की आवश्यकता नहीं है, पावर कहीं रुकता ही नहीं है। ओके ओके। बस आप शुरू करें सर, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। और सर अभी अभी मान के चलो कि अभी हम आईडी लगाए तो हमें कोई अच्छी लोकेशन मिल सकती है, मीन्स अच्छा प्लेस मिल सकता है क्या? है कि आपके ऐसा पास भी, में ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है सर, इसमें ऐसा भी नहीं क्या? क्योंकि ऐसा भी नहीं है, कोई डम्मी नहीं है, हाँ, कोई लेफ्ट राइट नहीं है, और डिसिप्लिन कंपनी है। हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी लगता है, अगर वो डबल लग गया तो 2 ब्लॉक होता है सर। ओके ओके। बहुत डिसिप्लिन कंपनी है, मजा आएगा काम करने में। वही कल सर एक बॉम्बे से कॉल आया था सर का, वो बोल रहे थे कि मेरे को ऊपर की आईडी दे दो, मेरे को सर ये आरएमसीएल मेरे पास बहुत लोग आए कि ऊपर का मन का जहाँ मिलता है पहले वहां होके आ जाओ फिर मैं बैठाऊ, तो घूम फिर करके फिर आए, क्योंकि डिसिप्लिन कंपनी ऐसा है नहीं। वो तो मुझे पता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रहा था, मेरा कहने का ये था कि मतलब था कि पावर लेक में अपने को कुछ ये हो सकता है, मीन जैसा जो इंटरनेशनल आईडी का पावर लेक होता है। पावर क्या होता है ना कि ऊपर से जो आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाला भी कहाँ लेके जाएगा, उसको भी तो 2 ही लगा देते बस,
तो मेरा, हाँ, मेरा मेरा कहना भी वही है कि अगर मान के चलो कि एक लेख अगर बाहर से आती है, इंटरनेशनल लेवल से आती है, बराबर है, वो मिल जाती है, वो हाँ, ऑटोमेटिक चलती है तो वो। वो लेवल पे अगर मैं लगता हूँ, डायरेक्ट वो लाइन पे लगता हूँ या लेफ्ट साइड में अगर मैं लगता हूँ, इंडिया में आने वाली लेख अगर पावर राइट होंगी या लेफ्ट होंगी, और जो इंटरनेशनल लेख पे अगर मैं लगता हूँ, तो उनके भी जो लोग लगेंगे वो उनके नीचे लगेंगे ना। हाँ वो ऑटोमेटिक वहीं जाएगा, एक के नीचे जाएगा, हाँ, तो वही वो मेरा पावर कहना मिल था। जाती है, वो पावर मिल तो जाती है। वो लोकेशन अगर ये होता है तो हम इसको चालू कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं वो हो बहुत दिन जाता से है। उसके बारे में सोच रहा था, 6-7 दिन से मेरा चल रहा था उसके ऊपर। तो मैं बोला कि ये सही है, अच्छा है, थोड़ा जी, हिसाब इससे से। बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है सर, और भी अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। और ज्वाइन करना तो फ्रीज फ्रीज ज्वाइनिंग है, उसमें उसके बिल्कुल आप बिल्कुल। जितना टाइम से डालेंगे अभी क्वालिटी जितनी आप अभी डालेंगे सर ये वेबसाइट जो रहेगा, ये उनका उनका ही वेबसाइट रहेगा कि दूसरा इंडिया के लिए कुछ तैयार होगा नया, हिंदी में सर, ऐसा जिस वगैरह? दिन पे आउट शुरू होगा उस दिन इंडिया का वेबसाइट आएगा ना, इंडिया का अच्छा अच्छा वेबसाइट आने का मतलब ही पे आउट शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा